मेरी गोपी कहो, कृष्ण भगवान की कृपा है कि तुम ठीक हो बेटा। ये काढ़ा पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा गोपी कहो। ये कड़वा काढ़ा मुझे नहीं चाहिए। गोपिका तुम? ये क्या है? किसी और के पति हो? लगता है प्रिया आ गई, इसलिए गोपिका ऐसे बात कर रही है। क्यों चिपक रहे हो? दायरे में रहो ना। ये सक्षम ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे इसे गोपिका की बहुत फिक्र है? हद होती है, एक तो तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से कट दिखा रही हो। मैंने कहा था जान बचाने के लिए। गोपिका वाओ, गोपिका देख रहे आप सब लोग, इंसानियत नाम की चीजें इसके अंदर से मर चुकी है। अगर आपकी जान नहीं बचाता ना गोपिका जी, तो पुलिस हमें पकड़ते हमारे गले पड़ती। हुआ तो नहीं ना, पुलिस तुम्हारे गले पड़ी तो नहीं ना। वैसे भी आपने जो भी कुछ किया अपने खुद के मतलब के लिए किया है। हटिए। रुको गोपिका बहू, पहले ये बताओ कि तुम अंदर पहुंची कैसे? हाँ, आपको फ्रिज के अंदर लॉक किसने किया भाभी? हाँ बताओ गोपिका बहू। पहली बात, ना तो मैं तुम्हारी भाभी हूँ और ना ही आपकी बहू, तो ये झूठी फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक फ्रिज में घिरने की बात है, उसके पीछे कोई है जो कि हम सबके बीच में मौजूद है। मिल गया ऐसे मौका मेरा पत्ता साफ करने का। गेम ओवर प्रिया। कौन? मैं खुद। आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था मेरा, इसलिए जब फ्रिज का दरवाजा खोला चक्कर आ गई मुझे। बेहोश होके अंदर गिर गई और लॉक हो गई। इसने जो मेरे लिए किया वो अच्छा है या बुरा समझ नहीं आ रहा। ये चाहती क्या है? गोपिका तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था, कुछ हो जाता तो। इतनी फिक्र है आपको मेरी सक्षम जी, या फिर मैं मर जाती और पुलिस के झमेले में आप फंस जाते, इस बात की चिंता थी? गोपिका बाऊ, कैसी बातें कर रही हो तुम? सक्षम दिकरा ने तुम्हें फ्रिज के अंदर नहीं डाला था कि उसे भय लगेगा कि पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल में डाले। उसने तुम्हें बचाया क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है, तुमसे प्यार करता है, तुम उसके दिल में बसती हो, तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने ये किया है, और तुम ऐसी बातें कर रही हो? मेरी गोपिका वो ऐसा बोल ही नहीं सकती। क्षमा चाहती हूं, पर तुम्हारी ऐसी बात से मतलब ही लग रही हो तुम। आपको मैं मतलब ही लग रही हूं? आपको लगा
तो सही होगा, मान लेती। हाँ, हूँ मैं मतलब। और आप सबको भी झूठी फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ ये आपकी चाल है। मुझे भैला फुसला कर पैसे ना देने का स्कीम प्लान कर रखा है आप लोगों ने, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। गोपिका, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम तो बिल्कुल एहसान फरामोश हो गई हो गोपिका। अब आप हमारे सेंटिमेंट्स को ऐसे हर्ट करेंगी भाभी? कहा ना, भाभी नहीं हूं तुम्हारी, मैं तुम्हारी भाभी। यहाँ पे सर पे बिठाओ इसे। अरे क्या हो गया आपको ये इस तरीके से? चिरा, गोपिका बहू को फिलहाल आराम की जरूरत है। कोई भी गोपिका बहू से अभी कुछ नहीं कहेगा, अंडरस्टूड छे? प्रिया बेन के खिलाफ ये जंग जीतने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। पता है तेन, दूसरे कपल घूमने से तेरी शादी में रंग थोड़ी भरा आएगा। काय की शादी, नाम का रिश्ता है बस, फीलिंग तो है ही नहीं उसमें। देख तेरी जो हालत है ना, समय बिल्कुल इस चाय में डूबे हुए बिस्किट की तरह है। चाय के साथ तो है लेकिन कोई काम का नहीं है। अरे ओ, ध्यान मत दे, कुछ सोल्यूशन है तो बोल, बड़बड़ कर रहा है। तो सोल्यूशन है ना, नई चाय ऑर्डर कर दे। पी तो रहा हूं। क्यों बोले जे? तू समझा नहीं, शादी से अलग भी तू कपल जैसा फील कर सकता है ना। कांडा जी भी बात कर रहे जे, मरवाने वाला आइडिया दे रहे क्या? मैं किसी और के साथ ये सब नहीं कर सकता है यार तू। अबे मैं तुम दोनों को एक स्ट्रॉ से जूस पीने को थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुन। एक कॉल सेंटर है जहां तू अपना अकेलापन बांट सकता है। ना तुझे उसका नाम पता होगा ना उसे तेरा। तू मेरे पास आ भाई, तुझे बस बात करनी है ना, आ दिल खोल के बात कर, जितना बात करना है बात कर, पूरी दिन बात कर, पूरी रात बात कर, ठीक है? अबे तू इसे रख ना, एक बार ट्राई कर यार। ये रहने देते हैं, रख। मेरे पास समझ, एक बार बस ट्राई कर। तानी इस रास्ते जाना चाहिए कि नहीं? उजल हो जाते थे, बस एक बार सक्षम के पिताजी यहां से बाहर निकले और उनके जाने के बाद मैं अंदर जाकर अपनी आंखों से देखूंगी कि आखिर माजरा क्या है। सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है, बहुत लोचने का मन कर रहा है, समझ नहीं आ रहा उस गोपिका ने मेरा नाम लिया क्यों नहीं। क्या लोगी जवाब?
या बाल नोचने में मदद, मुझे लगता है दूसरा ऑप्शन बेहतर है। लड़ना चाहती हो? नहीं, तुम्हारी धुलाई करना चाहती हूँ और मैं करूंगी भी। धमकी दे रही हो मुझे? चेतावनी दे रही हूँ। अगर फूट फूट के इतने बदले की भावना जाग रही थी तो सबके सामने नीचे मेरा नाम क्यों नहीं लिया?